कैनाल है, इसमें पानी अभी थोड़ा थोड़ा है, वो ज़्यादा नहीं है, खाली हो रखा है। और यहाँ पर बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है पूरा, बाइक स्लिप कर रही है, अभी तो सूख गई है धूप की वजह से, बहुत ज़्यादा कीचड़ था पहले, थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर पानी ऊपर तक आ गया था, ताला ध्यान रखिए, बाइक स्लिप हो गई किसी की, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और सेम की जमीन इस वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह के 10 बज रहे और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और धूप इतनी अच्छी लग रही है कि यहाँ धूप में बैठे रहो। तो हम आ गए सुबह सुबह खेत में देखने के लिए, कल हुई थी बारिश और उसके बाद खेत में क्या बीजा गया है वो सब देखने के लिए आ गए हैं। हमारे खेत में आए मुझे लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, मैं यहाँ पे सरसों की कटाई थी उस टाइम में आई थी, और फिलहाल हो गई है बिजाई। तो देखते हैं क्या क्या बिजा है खेत में। तो बहुत दिन से मैं बोल रही थी चले चले खेत, लेकिन लेके नहीं आ रहे थे। और अब की बार हमारे खेत में कौन कौन सी फसल बीजी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सेम ग्रस्त हमारा खेत है, उस खेत में हम आए हैं, और उस वाले खेत में तो मैं गई भी नहीं हूँ। तो पूरे खेत चेंज हो चुके हैं, अब की बार खेत खाली खाली लग रहे हैं सारे। मैं लेके आई थी थैला सरसों का साग लेके आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ सरसों का साग भी मिलेगा। तो भी देखते हैं जाकर खेत के अंदर, पतिदेव जी चले गए आगे। तो सुबह सुबह खेत में आके मन खुश हो गया, गेहूं की फसल है बहुत अच्छी खड़ी हुई है। तो मैंने देखी, मैं सोच रही थी अभी तक खेत में कुछ नहीं है, लेकिन गेहूं की फसल सुंदर सी हो रखी है। और अब की बात चारा है वो मुझे नहीं लगता कि अच्छे से हो पाएगा, दूसरी साइड बीज दिया है, तो वो देखते हैं, वरना दोबारा से बिजाई करनी पड़ेगी। और जो हमारा खाला है पानी आता है उसकी साइज बहुत बड़ी कर दी है, अब यहाँ से छलांग लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। खाड़ो एडो मोटो क्या कर दियो, बीच में पट दियो नी। तो ये देखिए चाला परली साइड जाएगी कौन। तो पतिदेव जी का पैर यहाँ पर दस गया, और मैं देखती हूँ कट करा मैं सरसों साग लिया, वो देखो कदम किया खेत में। तो यहाँ पर हमारी गेहूं की फसल नज़दीक से दिखाएंगे, और यहाँ पे बिजाए चारा, लेकिन निकला है नहीं, निकल जी जे तो मतलब पानी लग गया आज क्या सोरा गया निकला, सरसों बीज दिया और माँ परली साइड चला। तो बारिश के बाद ऐसे कीचड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बारिश है इस वजह से। तब की बार पूरे खेत खाली खाली अभी तक बिजाई शुरू हुई है। फिलहाल इस टाइम पे हो जाती थी फसलें बड़ी बड़ी, लेकिन अब की बार गर्मी की वजह से लेट है फसलें। तो ये हमारा चारा निकल गया थोड़ा थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, बथुआ कितना सारा निकला है एक जगह पे, ये पड़ोस का खेत है खाली पड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए बथुआ, ऐसे लग रहा है किसी ने बिजाई की है, लेकिन नहीं, पानी की वजह से ये निकल गया है, सीजन होता है इस टाइम पे। तो ये देखिए कितना सारा बथुआ है, और इस साइड सरसों का साग खड़ा हुआ है, देखते हैं। और हमारे खेत की सरसों यहाँ पर दिखाएँगे। तो यहाँ पर हमारे सरसों की फसल ये देखिए, अब की बार छोटी छोटी है अभी तक। यहाँ पे बना हुआ चूल्हा, किसी ने चाय बनाई थी बिजाई करते टाइम, और ये पेड़ बन गए, यहाँ छाँव पर बैठ सकते, छाँव में बैठ सकते हैं। और अब की बारिश खेत में होगी खरपतवार बहुत ज़्यादा, 2 साल बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार खूब खरपतवार होने वाली है। प्याजी और बथुआ बहुत ज़्यादा है, ये देखिए 5-7 दिन में ये सरसों साग के लायक हो जाएगी। पतिदेव जी को ना ठंडा लग रही है अभी तक, देखिए शॉल ओढ़ रखा है, अभी तो धूप आ गई है फिर भी। और ये सरसों अभी चलते हैं गेहूँ देखने के लिए, कणक गेहूँ 2-4 दिन में साग उगी हो जी, 2-4 दिन मैंने। यहाँ रखा कचरा मचरा,
सफाई करने वाली हो रही है। किचड़ है भी, ये गेहूँ यहाँ तो अभी हल्की हल्की निकली है, थोड़ी लेट निकली। गेहूँ की तो बिजाई हुई है, सरसों का छिंटा लगाया गया है। हाँ मैं तो एक ही बुनटो कौन निकले हो, इतनी खेत खा लो ही रहे आप, अता दो खा लो गयो फिर। सांस मेरे तो ही उपड़ गया। आगे देखिए गेहूं की फसल बहुत सुंदर हो रखी है इस साइड। पहली बार इस साइड हमारे चारा था, यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो दोस्तों साग हमने सरसों का तोड़ लिया है, दूसरे खेत में तीसरे खेत में घूमकर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो बात सही है। और बथुआ भी मिल गया, पालक गर्मी है तो काम चल जाएगा। कल सब्जी वाले से ली थी और बथुआ बहुत ज़्यादा हो रखा है इस बार, तो पड़ोस के खेत से हमने सरसों तोड़ लिया। और सरसों थोड़ी सी है तो देखती हूँ मैं मायके जाने वाली हूँ, वहाँ ले कर जाऊँगी कि यहाँ छोड़ के जाऊँगी पता नहीं। यहाँ तो साग हो रखा है तो वहाँ कोई लेके आने वाला भी नहीं है, तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। और पतिदेव जी को तो लग रही है अभी तक ठंड, मेरे को पसीने आ रहे और इनको ठंड लग रही है। ठंड के लगे वो ले गए वो मसाले लगाने तो उसी और जाने तक ना होती बेड़ो कस को बेड़ो ही है तुम थोड़ी अल्लाह रहा अपने मन तान देख देख गर्मी लगे खुद ही करना लेगी अब की बार। हमने सरसों तोड़ ली थी खूब सारी, मिल गई थोड़ी थोड़ी करके, और अब खूब धूप निकल गई अच्छी से, अच्छा लग रहा है धूप में। ठंड थी बहुत ज़्यादा तो धूप अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी फसल सेम ग्रस्त खेतों में है वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी निकलते हैं वापस, बाइक तक चलते हैं, सुबह सुबह वॉकिंग हो गई साथ में, और साथ में सब्जी का जुगाड़ हो गया, तभी निकलते हैं वापस। पे पड़ा हुआ है पानी काले के अंदर, शायद कल किसकी बारी थी, आज अपनी बारी कौन के, आज शायद नहर बंद है, शनिवार की हमारी बारी रहती है। और बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया है, पूरा भरा हो तो अंदर डूब जाए कोई, तब की बारी खेत से निकलते हैं। तो चलते चलते सांस फूल गई है, तो अभी निकलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में सीखना ही मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।